हेलो फ्रेंड्स, मैं संपला कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब तक इस वीडियो सीरीज में मैंने जो एक्सप्लेन किया हो है वो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था हमें सर्क्यूलर क्यू क्यों पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने सेकेंड वीडियो में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद सर्कुलर क्यू कैसे वर्क होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद के वीडियो में मैंने बताया है कि सर्कुलर क्यू ऑपरेट कैसे करता है, और जो बहुत सारे ऑपरेशंस है उसमें से मैं अब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन हम सर्कुलर क्यू पे कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी वीडियो को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू पे हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन को जाने से पहले कोई जो बेसिक फीचर्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट सर्कुलर क्यू, वो आपको हमेशा याद में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर्कुलर क्यू जो है वो लीनियर क्यू तरह ही वर्क होता है, बिहेव होता है। बस इतना है कि ये लीनियर होता है और सर्कुलर क्यू सर्कुलर होता है, यही सिर्फ डिफरेंस है। अभी आपको जो इंसर्ट और एनक्यू ऑपरेशन करना है, इंसर्ट ऑपरेशन को ही हम एनक्यू ऑपरेशन भी बोलते हैं, दोनों ऑपरेशन सेम होते हैं। तो वो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो हमें कौन से एंड पे करना है, तो वो हमें रेयर एंड पे परफॉर्म करना है। इनिशियली जो होता है वो सर्कुलर क्यू एम्प्टी होता है। तो अभी एम्प्टी सर्कुलर क्यू हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो सर्कुलर क्यू हमारा एम्प्टी है ये इंडिकेट करने के लिए हमारा जो रेयर और फ्रंट पॉइंटर है वो दोनों पॉइंटर हमें -1 पोजिशन पे सेट करने होते हैं। तो मान लो अगर आपका रेयर और फ्रंट -1 पोजीशन पे है, इसका मतलब है आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट होता है वो वही इंडिकेट करता है जहां तक कि फ्रंट और रेयर का सवाल है, वो दोनों -1 पे होने चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, और वो इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों फ्रंट और रेयर पॉइंटर जो है वो -1 को इनिशियलाइज किए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। तो ये सर्कुलर क्यू एम्प्टी हमें रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे अगर पॉइंट कर रहे हैं, दोनों में -1 है, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। अभी इंसर्शन ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हमें सर्कुलर क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें इंसर्शन और एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जो एनक्यू और इंसर्शन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते टाइम जो कोई नया एलिमेंट हम इंसर्ट करने वाले हैं वो हमेशा हम रेयर एंड पे इंसर्ट करते हैं। ये हमेशा मैंने रेगुलरली आपको बताया है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो हमेशा रेयर एंड पे परफॉर्म करता है। इसका मतलब हमारा जो रेयर पॉइंटर है हम उस पे काम करने वाले हैं, हम उसको इंक्रीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको एल्गोरिदम और द स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि आपको इंसर्शन और एनक्यू ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है हमारा क्यू फुल है या नहीं। अभी मान लो आपको कोई किसी कंटेनर में कोई चीज डालनी है, तो आप पहले क्या देखोगे, उसमें जगह है या नहीं। इसका ही मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं कि वो कंटेनर फुल है या नहीं। अगर फुल है तो हम उसमें कोई चीज इंसर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम अलग कंटेनर ढूंढ लेंगे। अदरवाइज अगर स्पेस अवेलेबल है, मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है, तो ही हम उस कंटेनर में चीज इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपकी क्यू फुल है या नहीं। अगर फुल है
तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है क्यू इज फुल और उस फंक्शन से हमें एग्जिट हो जाना है। और अगर मान लो कि आपका क्यू फुल नहीं है, आपके क्यू में स्पेस अवेलेबल है जिसमें हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताती है, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में फिर से हमें चेक करना है, पर अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो हम एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब कि करंटली आपका क्यू इंसर्ट करने से पहले, अभी हम इंसर्ट करने वाले हैं, अभी इंसर्ट नहीं किया है, करने से पहले आपका क्यू एम्प्टी है, और एम्प्टी है इसका मतलब दोनों फ्रंट और रियर पॉइंटर -1 पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर दोनों -1 पे पॉइंट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमें ये दोनों रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर दोनों को जीरो पे इनिशियलाइज करना है, हमें जीरो पे सेट करना है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। और उसके बाद हमें स्टेप नंबर फोर पे जाना है। मान लो कि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आपके दोनों पॉइंटर्स रेयर और फ्रंट पॉइंटर वो जो है वो -1 पे नहीं है। इसका मतलब हम जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं वो है स्टेप नंबर थ्री। तो हम चलो चलते हैं स्टेप नंबर थ्री की ओर। स्टेप नंबर थ्री हमें क्या बताता है कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो हमें सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है। क्या सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है, हमें रेयर इंडेक्स रेयर पॉइंटर हमें सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है बाय 1, एक से हमें नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। अभी सर्क्यूलरली इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सर्क्यूलर इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है कि अगर इंक्रीमेंट करते करते हमारा रेयर एंड पोजिशन पे आता है, उसका मतलब है कि मैक्सिमम साइज -1 पोजिशन पे आता है, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, एज दिस इज अ सर्क्यूलर क्यू, हाँ तो नेक्स्ट पोजीशन होना चाहिए 0 और एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू। तो ये जो होता है एंड पोजीशन से 0 पोजीशन पे जाने का मतलब होता है सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट। बीच में अगर कोई इंक्रीमेंट करना है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि आपका रेयर इंडेक्स सेकेंड पोजिशन पे है तो वो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, और अगर क्यू का साइज फॉर एग्जाम्पल 10 है और आपका रेयर अभी 9th पोजीशन पे है, तो सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 0th पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये सर्क्यूलरली कनेक्टेड है। इसका मतलब है हमें सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है। अभी ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप हमें क्या बताता है कि हमें उस रेयर्थ पोजिशन पे नंबर एनक्यू करना है और इंसर्ट करना है, एलिमेंट हमें एनक्यू करना है और इंसर्ट करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो आपने रेयर और फ्रंट दोनों को 0 पे इनिशियलाइज कर लिया, और डायरेक्टली हमें फोर्थ स्टेप पे जंप करना है जो कि हमें रेयर पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इंसर्ट करना है। मान लो कि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, सर्क्यूलर इंक्रीमेंट करना है और रेयर पोजीशन पे फोर्थ स्टेप में आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके लिए इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करना होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये विजुअलाइज कैसे होता है, जैसे कि हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट तो हमें वो विजुअलाइज कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि फ्रंट और रेयर दोनों -1 पोजीशन पे है, इसका मतलब कि क्यू एम्प्टी है और हमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें दोनों फ्रंट और रेयर कहाँ पे इनिशियलाइज करने हैं, 0 पे इनिशियलाइज करनी है। तो हमने यहाँ पे ये दोनों को 0 पे इनिशियलाइज कर लिया और यहाँ पे हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन। अभी हमें और कोई फ्यू एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हम कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सर्क्यूलरली आपको इंक्रीमेंट करना है रेयर पॉइंटर। उसका फॉर्मूला मैंने ये भी फॉर्मूला लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको अगर ये पता नहीं है
तो आप प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करके फिर ये वीडियो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मैं इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मान लो कि रेयर आपका जीरो पोजिशन पे है, 0+1 इज 1, 1 मॉड्यूलो 10 कंसिडर कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके क्यू का साइज है 10, इसलिए हमें मॉड्यूलो जो करना है वो सर्कुलर क्यू की साइज से करना है। तो 1 मॉड्यूलो 10 रिजल्ट विल बी 1, तो आपका अपडेटेड रेयर हो गया 1। तो ये रेयर यहाँ से हट जाएगा, नई पोजीशन पे असाइन हो जाएगा, और नई पोजीशन पे असाइन होने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें रेयर पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर लेना है। तो ये हो गया नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट। अभी फिर से अगर हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें यही फॉर्मूला दोहराना होगा। ये फॉर्मूला दोहराने के बाद क्या होगा, अभी रेयर आपका 1 पे है, 1+1 इज 2, 2 मॉड्यूलो 10 इज 2, और रेयर हो गया हमारा 2। अपडेटेड वैल्यू रेयर की हो गई 2, तो यहाँ पे मैं रेयर 1 से हटा के 2 को लगा रही हूँ, और फोर्थ स्टेप के हिसाब से हमें नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड पोजिशन पे इंसर्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी क्यू में इंसर्ट कर लिए है। अगर मुझे और कोई एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो क्या मैं इसमें इंसर्ट कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते हम नया एलिमेंट इंसर्ट? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फ्रंट और रेयर है वो साइमल्टेनियस इमीडिएट पोजीशन पे है, और वो क्या बताता है कि अगर फ्रंट 0 पे है, रेयर 9 पे है, इसका मतलब है कि मेरा क्यू फुल हो चुका है। ये हो गया आपका सिचुएशन 1, जहां पे मेरा फ्रंट और रेयर इमीडिएट पोजीशन पे है, और फ्रंट जो है वो 0th पे है, और जो रेयर है वो आपका मैक्सिमम साइज -1 पोजीशन पे है। अगर ये सिचुएशन है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका क्यू फुल हो गया है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर क्यू फुल। पर क्या ये एक कंडीशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो सफिशियंट है? ये सोचने के लिए मैं आपको सिचुएशन 2 बता रही हूं। आप यहाँ पे जरा सोच के देखो कि आपका जो फ्रंट है वो 9th पोजीशन पे है फॉर एग्जाम्पल, एंड जो आपका रेयर है वो 8th पोजीशन पे है। तो ये हो गया आपका कंडीशन। क्या कंडीशन था? रेयर इज इक्वल टू साइज -1। क्या ये सिचुएशन अभी रेयर जो है वो साइज -1 पे है? नहीं। एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0, आपको यहाँ पे एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्यू फुल है। पर आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका सर्कुलर क्यू यहाँ पे फुल है पर ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है इस सिचुएशन के लिए जो कि फुलफिल कर रही है और हमें बता रही है कि हमारा सर्कुलर क्यू फुल है? तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूं कि अगर ये सिचुएशन है कि फ्रंट जो है आपका वो जस्ट इमीडिएट टू रेयर पोजीशन, इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन है रेयर के, मतलब कि रेयर 8 पे है, फ्रंट 9 पे है, फॉर एग्जांपल रेयर 7 पे है, फ्रंट 8 पे है, इसका मतलब कि रेयर इक्वल टू फ्रंट -1। फ्रंट को अगर -1 करते हैं तो जो पोजीशन आता है वही रेयर का पोजीशन है। अगर ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन भी हमें क्या बताती है कि हमारा क्यू फुल है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैंने दिखाई थी, ये दोनों कंडीशन, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो इसका क्या मतलब है? हमारा क्यू फुल है। और ये दोनों कंडीशन जब हम यूज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि नाउ कंडीशन इज सफिशियंट, एंड इसके साथ हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्यू फुल है। पर क्या हमें ये दोनों कंडीशन लिखनी जरूरी है? उसके बगैर हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन है जिससे एक ही कंडीशन हो और दोनों सिचुएशन हैंडल हो जाए? तो हाँ, ये मॉड्यूलो डिवीजन कंसेप्ट जो है वो फिर से हमें मदद करेगा सिंगल कंडीशन बिल्ड करने के लिए। तो वो कंडीशन क्या होती है? तो ये जो कंडीशन है वो दोनों सिचुएशन के लिए हेल्पफुल है, और वो सिचुएशन दोनों सिचुएशन में अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ उस कंडीशन के साथ। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेयर +1।
अभी मान लो रेयर आपका 9th पोजीशन पे है, जो आपका सिचुएशन 1 था, राइट? तो रेयर 9th पोजीशन पे है, रेयर प्लस 1 मतलब कि ये हो गया 10, 10 मॉड्यूलो 10 रिजल्ट विल बी 0, और दैट रिजल्ट हमें फ्रंट के साथ कंपेयर करना है. अगर ये दोनों इसका रिजल्ट, इस कंडीशन, इस फॉर्मूला का रिजल्ट और फ्रंट, ये दोनों अगर सेम पोजीशन पे है, इसका मतलब कि हमारा क्यू फुल है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेयर है 9 प्लस 1 इज 10, 10 मॉड्यूलो 10 इज 0 और फ्रंट हमारा 0 पे है, तो ये कंडीशन हो गया ट्रू. इसका मतलब कि हमारा क्यू फुल है. और अभी सिचुएशन 2 को हम जाते हैं, जहां पे हमारा रेयर था 8th पोजीशन पे और फ्रंट है हमारा 9th पोजीशन पे. यहाँ पे ये दोनों पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अभी रेयर है आपका 8 प्लस 1 इज 9 9 मॉड्यूलो 10 इज 9, एंड जो आपका फ्रंट है वो भी 9 पे है, तो ये हो गया कंडीशन फिर से ट्रू. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सिचुएशन में भी सर्कुलर क्यू फुल है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सिचुएशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम दोनों का सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, जो कि हमें बताता है हमारा सर्कुलर क्यू फुल है. अभी हम जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर. यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें एक बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. कोई लूप यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ 1. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा, आपने ये कंसेप्ट समझ लिया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट देना ना भूलिए. मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी आप जरूर देखिए. पूरा प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ. हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग.